असलम एंड वेलकम टू ऑल द स्टूडेंट्स हु हैव जॉइंडस इन दिस वीडियो सो वी आर गोइंग टू कंटिन्यू द सीरीज़ ऑफ़ इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी दट इज सी एस टू जीरो फाइव और इन शाला जो है हम हमने लेक्चर नंबर टू हंड्रेड एंड फोटी वन से स्टार्ट करना है यहाँ पर अब चेंज मैनेजमेंट की डिस्कशन कोई कंटिन्यू करना एंड एज यू कैन सी यहाँ पे एब्रीविएशन जो है वो आई टी आई एल यूज़ हुआ है और आई टी आई एल क्या है एज आई हैव ऑलरेडी टोल यू इट बेसिकली स्टैंड फॉर इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर लाइब्रेरी ठीक है अच्छा अब यहाँ पे हम चेंज मैनेजमेंट के डिस्कशन को कंटिन्यू करने लगे हैं सो द क्वेश्चन इज़ के चेंज मैनेजमेंट का मिशन क्या है तो हम बेसिकली ये चाह रहते हैं कि आईटी डिपार्टमेंट में हम जो चेंजेस कैरी आउट कर रहे हैं वो आपके नॉर्मल रूटीन जो आईटी के फंक्शन हैं उनके साथ जो है वो कलेबरेटिड हों कोऑर्डिनेटेड हों और एक इफेक्टिव और एफिशिएंट मैनर में हम उनके एग्जीक्यूट कर सकें उसके अलावा उस चेंज का जो है अगर ऑर्गेनाइजेशन के कस्टमर्स पे कोई नेगेटिव इंपैक्ट पड़ रहा है तो आपने उसको मिनिमाइज़ करना है ठीक है तो ये मिशन है अब हम बात करते हैं कुछ के की आई के क्या होते हैं के की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स जिसकी मदद से जिनकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं कि आईटी डिपार्टमेंट में आईटी फील्ड में हम चेंज मैनेजमेंट प्रोसेस को जो है वो ये ट्रैक कर सकते हैं कि वो कितना सक्सेसफुल जा रहा है और कितना नहीं जा रहा सबसे पहले बात आ जाती है सक्सेसफुल चेंजेस तो आपकी ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी टोटल लाइक चेंजेस हुए हैं कंप्लीट जो हो चुके हैं जो टोटल नंबर ऑफ़ कंप्लीटेड चेंजेस हैं उसमें से आपने देखना है कि कितने जो हैं वो सक्सेसफुली कंप्लीट हो गए हैं और कितने जो हैं वो फ़ेल हो गए हैं तो जितनी ज़्यादा परसेंटेज आपके पास सक्सेसफुल चेंजेस की होगी उतना ही बेहतर है आपकी ऑर्गेनाइजेशन के सिक्योरिटी कल्चर के लिए फिर आ जाता है बैकलॉग चेंजेस तो यहाँ पे आपने जो है वो क्या करना है कि ऐसे चेंजेस को नोट करना है उनके नंबर्स आपने रखने हैं लाइक उनका पूरा एक रिकॉर्ड आपने रखना है उन चेंजेस का जो अभी कंप्लीट नहीं हुए ठीक है सो ये जो नंबर है उन चेंजेस का जो अभी कंप्लीट नहीं हुए वो डिपेंड करता है कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन का क्या साइज़ है लेकिन आपने ये बस याद रखना है कि शुड नॉट ग्रो ओवर टाइम के वक्त गुजरने के साथ साथ आपके पास ऐसे चेंजेस की अमाउंट जो है वो ऐसे चेंजेस का नंबर जो है वो ज़्यादा नहीं होना चाहिए जो अभी कम्प्लीट ही नहीं हुए ठीक है फिर आ जाता है इमरजेंसी चेंजेस इमरजेंसी चेंजेस वो होते हैं जो आपने लाइक आपकी ऑर्गेनाइजेशन में जो इमरजेंसी चेंजेस जितने कंप्लीट हुए हैं ना आपने इसमें जो है वो ये देखना होता है मतलब ये की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स की हम बात कर रहे हैं ना तो इसमें थर्ड इंडिकेटर है इमरजेंसी चेंजेस उसमें हम देखते हैं कि आपके पास जो है वो कितने इमरजेंसी चेंजेस आपकी ऑर्गेनाइजेशन में कैरी आउट किए गए कितने कम्प्लीट हो गए ठीक है तो अब द एब्सोल्यूट नंबर अगेन डिपेंड्स ऑन द साइज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड शुड नॉट इंक्रीज़ ओवर टाइम क्यों क्योंकि नॉर्मल चेंजेस जो हैं वो ज़्यादा सही रह जाते हैं ज़्यादा बेटर होते हैं एज कम्पेयर टू इमरजेंसी चेंजेस ठीक है क्योंकि इसमें रिसोस और इसमें एफ़र्ट सबसे ज़्यादा लग रही होती है तो इसलिए आपने मेक श्योर sure करना है कि आपने इमरजेंसी चेंजेस में ये तो देखना है कि कितने इमरजेंसी चेंजेस जो हैं वो लाइक uh, like पिछले ड्यूरेशन में आपकी ऑर्गेनाइजेशन ने गै आउट किया है लेकिन ये भी आपने ध्यान रखना है कि वो वक्त गुजरने के साथ साथ ये नंबर ज़्यादा ना हो फिर हम बात करते हैं स्कोप की अब आई चेंज मैनेजमेंट जो प्रोसेस है उसकी वजह से क्या होगा कि हम लाइक like, इसका जो स्कोप है वो कुछ डिफरेंट इम्प्लीमेंटेशन डिफरेंट रिज़ल्ट के ऊपर जो है वो डिपेंड करता है या उनकी वजह से लिमिटेड है अब वो क्या है आपने देखना है कि अ सर्विस टू बिकम अन अवेलेबल और डीग्रेडेड ड्यूरिंग सर्विस आर्स के कोई सर्विस जो है वो क्या अन अवेलेबल तो नहीं हो रही सर्विस आर्स के दरम्या में इसी तरह आपने ये देखना है कि फंक्शनैलिटी ऑफ अ सर्विस टू बिकम डिफरेंट के वक्त गुजरने के साथ साथ एक सर्विस की फंक्शनैलिटी कहीं डिफरेंट तो नहीं हो रही चेंज मैनेजमेंट की वजह से इसी तरह Uh, यहाँ पे आपके पास आ जाते हैं सी एम डी बी सी एम डी बी क्या है कन्फिग्रेशन कन्फिग्रेशन मैनेजमेंट डेटा बेस और इसमें आपने देखना है कि कन्फिग्रेशन मैनेजमेंट जो डेटा बेस है उसको कहीं कोई अपडेट तो नहीं चाहिए तो ये हम असल में स्कोप देख रहे हैं आई टी चेंज मैनेजमेंट प्रोसेस का ठीक है लेकिन स्कोप जो है वो कह रहा है डिफरेंट चीज़ों पर डिपेंड करता है कि कहीं कोई ऐसी सर्विस हो जो अन अवेलेबल हो, 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 हो रही हो या कहीं कोई ऐसी फंक्शनैलिटी हो जो चेंज हो रही हो या कहीं कन्फिग्रेशन मैनेजमेंट डेटा बेस को कहीं uh, कोई अपडेट तो होना चाहिए हो ठीक है तो मतलब ये जो है वो डिफरेंट सिनेरियोज़ हैं जो आपकी आईटी चेंज मैनेजमेंट प्रोसेस के स्कोप को डिफाइन कर रहे होते हैं ठीक है फिर उसके बाद यहाँ पे हैं कुछ प्रोसीजर सबसे पहले आपने जो है वो रिक्वेस्ट देनी है चेंज रिव्यू की और ये असल में क्या होगा कि जो चेंज कोऑर्डिनेटर्स हैं वो ये प्रोसीजर यूज़ करेंगे कब वेन दे आर डीलिंग विद रिक्वेस्ट फॉर चेंज क्यों क्योंकि देखें चेंज मैनेजमेंट जो प्रोसीजर है जो प्रोसेस आपके पास उसमें पूरा जो स्टाफ है उसमें डिफरेंट इंडिविजुअल्स उस ऑर्गेनाइजेशनल हैरारकी में डिफरेंट डिफरेंट लेवल्स डिफरेंट डिफरेंट पोस्ट्स पे जो है वो अपना काम कर रहे होंगे ठीक है तो जो चेंज कोऑर्डिनेटर्स होंगे उनका ये काम होगा कि वो किसी थर्ड पार्टी से या कोई ऐसे प्रोसेस को कैरी आउट कर रही होगी और उन्हें नोट कर रही होगी कि जिन्हें चेंजेस की ज़रूरत है फिर जब वो एक बार सारे ऐसे रिकॉर्ड में रख लेगी तो फिर जो है वो उनको आगे फॉरवर्ड करेगी ठीक है अच्छा अब यहाँ पे देखें सेकेंड आपके पास आ जाता है चेंज प्लानिंग इसमें हमने क्या करना है कि जो चेंज कोआर्डिनेटर्स होते हैं और जो स्पेशलिस्ट्स होते हैं वो ये प्रोसेस जो है चेंज प्लानिंग का वो कैरी आउट करते हैं ठीक है और इसमें बेसिकली जो है वो इम्प्लीमेंटेशन के लिए प्लान्स को तैयार किया जाता है फिर नेक्स्ट आ जाता है चेंज अप्रूवल चेंज अप्रूवल में अब आपके पास आ गया चेंज मैनेजर और इसी तरह अप्रूवर्स चेंज मैनेजर्स और चेंज अप्रूवर्स जो हैं वो ये वाला प्रोसीजर यानी कि चेंज अप्रूवल का ये फॉलो करते हैं और वही ये मेक श्योर sure करते हैं कि जो पिछले स्टेप में पिछले फेज़ में प्लान क्रिएट किया गया था उसको किस हद तक जो है वो इम्प्लीमेंट किया जा रहा है फिर आपके पास आ जाता है चेंज इम्प्लीमेंटेशन पर जो स्पेशलिस्ट होते हैं वो ये प्रोसेस यूज़ करते हैं और जब आपने लॉन्ग के लिए देख लेना है कि कौन सा फ़ेज जो है वो मतलब उसमें ऑर्गेनाइजेशनल हराकी में कहाँ पे स्पेशलिस्ट्स जो हैं वो काम कर रहे हैं कहाँ पे चेंज मैनेजर्स अप्रूवर्स कहाँ पे हैं कहाँ पे चेंज कोऑर्डीनेटर्स हैं ठीक है थीके? फिर लास्ट आ जाता है चेंज क्लोइर्स चेंज क्लोइर में क्या होता है कि स्पेशलिस्ट जो होते हैं वो ये वाला प्रोसेस फॉलो करते हैं और इसमें जो है वो क्या किया जाता है कि प्रोडक्शन टेस्ट्स को कैरी आउट किया जाता है और प्रोडक्शन टेस्ट जो होते हैं वो कब किए जाते हैं जब आपने जो भी चेंज इम्प्लीमेंट करना था वो कर लिया उसके बाद प्रोडक्शन टेस्ट जो है वो कैरी आउट करेंगे और फिर उसके बाद क्या होगा कि जो भी चेंज प्रोसेस था हमने उसको क्लोज आउट करना है उसको कंपाइल करना है वाइंड अप करना है तो ये जो है आपके पास लास्ट स्टेप में हो रहा होता है ठीक है फिर आ जाता है लेसन नंबर टू फोर्टी टू इसमें अब देखें अगेन आई टी आई एल की कुछ बेस्ट प्रैक्टिस को हमने देखना है तो यहाँ पर चेंज मैनेजमेंट के रोल्स देखने हैं देखें अब यहाँ पर पहले है चेंज इनिशिएटर चेंज इनिशिएटर वो होता है जो ये आइडेंटिफाई करता है और ये रिकॉग्नाइज करता है पहचानता है कि हाँ किसी चेंज की ज़रूरत है ठीक है फिर उसके बाद यहाँ पे देखें इनिशिएटर कोई ऐसा बंदा होना चाहिए जो उन टूल्स वगैरह को डायरेक्टली यूज़ कर रहा हो क्योंकि फिर वो बेटर वे में आइडेंटिफाई कर सकेगा कि कब और किस तरह के चेंज की ज़रूरत है ठीक है सो मेंबर्स ऑफ योर टीम हु प्रोवाइड सपोर्ट सर्विसेज टू कस्टमर्स मे बी बेस्ट सुटेड फॉर देयर पोजिशन ड्यू टू देयर फ्रीकुन इंटरेक्शन विद सिस्टम सो जो चेंज इनिशिएटर होता है उसे ज़रूर कोई ऐसा पर्सन होना चाहिए जो कंपनी uh, के सिक्योरिटी सिस्टम के टूल्स के साथ जो है वो ज़्यादा फ्रिक्वेंटली इंटरेक्ट कर रहा हो फ्रिक्वेंटली उनको यूज़ कर रहा हो तो वो दे आर अ वेल दे आर गुड ऑप्शन इन ऑर्डर टू बी अ चेंज इनिशिएटर फिर आ जाता है नेक्स्ट पर्सन है आपके पास नेक्स्ट रोल है आपके पास चेंज कोऑर्डिनेटर चेंज कोऑर्डिनेटर अगेन ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से तो चेंज कोऑर्डिनेटर बेसिकली असेस करता है कि जो उसे चेंज इनिशिएटर रिक्वेस्ट भेजता है ना कि इस चीज़ में चेंज होने की ज़रूरत है तो वो उनको असेस करता है उसके अलावा वो इंसिडेंट मैनेजमेंट प्रॉब्लम मैनेजमेंट रिलीज मैनेजमेंट कंटिन्यूटी मैनेजमेंट इन सब चीज़ों को हैंडल कर रहा होता है ठीक है फिर उसके अलावा यहाँ पे आप देखें कि जो चेंज कोऑर्डिनेटर रजिस्टर्स हैं ये चेंज होते हैं विद द पैसेज ऑफ टाइम ठीक है time, और फिर यहाँ पे देखें डिटर्मिस् द रिस्क एंड इम्पैक्ट फॉर रिक्वेस्ट चेंजेस के जो भी रिक्वेस्ट किए हैं चेंजेस चेंज इनिशिएटर ने चेंज कोऑर्डिनेटर को कहा है कि भाई ये ये चेंजेस जो मैं मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ और इनको जो है ऑर्गेनाइजेशन में एग्जीक्यूट होने की ज़रूरत है तो फिर ये चेंज कोऑर्डिनेटर का काम होता है कि वो देखे कि जो है, जो है आ, क्या रिस्क होगा अगर हम उसको अपनी ऑर्गेनाइजेशन में चेंज को इम्प्रीमेंट करते हैं और क्या रिस्क नहीं होगा और उसके अलावा क्या उसके इम्पैक्ट होंगे क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे सही हो गया फिर उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट आ जाता है चेंज मैनेजर और ये आमतौर पे आपके पास अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो मीडियम साइज़ है या लार्ज साइज़ है तो फिर आपको चेंज मैनेजर भी चाहिए होगा ठीक है और उसके अलावा अगर आपका जो आईटी डिपार्टमेंट है वो किसी बड़ी कंपनी का कोई सब कैंपस है कोई पार्ट है तो फिर क्या होगा कि आपको बहुत सारे पर्सन में से कोई एक जो है वो सिलेक्ट करना होगा चेंज मैनेजर का रोल परफॉर्म करने के लिए ठीक है उसके अलावा दीज इंडिविजुअल लाइक ये जो चेंज मै यहाँ पे हम चेंज मैनेजर की बात हैं ये वाले जो इंडिविजुअल्स होते हैं ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं कि उन्होंने चेंज प्रोसीजर्स को कैसे मैनेज करना है कैसे उन्होंने प्रायोरिटीज़ सेट करनी है लाइक रिस्क अपीटाइट उन्होंने कैसे सेलेक्ट करनी है दिस एंड एंडट फिर आपके पास आ जाता है चेंज एडवाइजरी बोर्ड चेंज एडवाइजरी बोर्ड जो है इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर अथोराइजिंग चेंजेज़ एंड फर्दर इटिंग रिक्वेस्ट्स के जो चेंज इनिशिएटर था उसने तो रिक्वेस्ट्स भेज दी और नेक्स्ट पर्सन ने देख लिया कि उनके साथ क्या 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 इन्वॉल्व है दिस एंड दैट लेकिन जो चेंज एडवाइजरी बोर्ड है वो क्या करेगा कि वो चेंजेस को ऑथराइज़ करेगा वैलिडेट करेगा वेरीफाई करेगा और वो देखेगा कि क्या क्या जो है वो हाई रिस्क एसोसिएटेड है अगर हम उन रिक्वेस्ट्स को कैरी आउट करते हैं मतलब ब्रॉडर लेवल की अगर बात करें तो वो चेंज एडवाइजरी बोर्ड कर रहा होगा फिर ये जो बोर्ड है वो देखता है कि जो भी पार्टीज़ किसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ लिंक्ड हैं तो अगर मैं ये रिस्क लाइक चेंज कैरी आउट करता हूँ तो फिर कौन सी पार्टी जो है वो कितनी अफेक्ट होगी ठीक है फिर यहाँ पे अगर वो ज़्यादा इफेक्ट हुई होती हैं तो फिर क्या होगा कि कोई मीटिंग जो है वो कॉल करेगा और उसमें डिटेल्ड एजेंडा के ज़रिए से जो है वो बताएगा कि अब हमने कैसे प्रोसीड करना है अच्छा फिर नेक्स्ट आ जाता है अप्रूवर ये भी मैनेजमेंट रोल है आपके पास चेंज मैनेजमेंट रोल है अप्रूवर जो है वो ये डिसाइड करता है कि चेंजेस को अप्रूव करना है या रिजेक्ट करना है ठीक है मतलब इनेबल करना है या डिसेबल करना है फिर आ जाता है चेंज इम्प्लीमेंटेशन टीम ये इसमें वो वाले स्पेशलिस्ट होते हैं आपकी टीम के जो असल में चेंज को मेक करने के लिए लाइक like, चेंज लाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं वो होती है चेंज इम्प्लीमेंटेशन टीम जो उसको मेन स्ट्रीम में लेके आ रहे होते हैं ठीक है सो यू विल लाइकली बी अ पार्ट ऑफ़ दिस टीम एंड एम्प्लॉज़ डायरेक्टली अंडर यू में ऑल्सो भी असाइन टू इम्प्लीमेंट चेंजेस क्या आप हो सकता है कि चेंज मैनेजमेंट टीम का पार्ट हो लेकिन आपके अंडर जो इम्प्लॉइज हैं उनको डिफरेंट uh, डिफरेंट uh, जो है वो रोल्स असाइन किए जा रहे हो तो ये मैनेजमेंट रोल्स हैं डिफरेंट हो गया ऑर्गनाइजेशनल हरार पर डिपेंड करते हैं सो एज़ एन आई टी मैनेजर यू विल ऑफ़न भी रिस्पॉन्सिबल फॉर ओवर सींग द चेंज़े तो कहने का मकसद है कि जो आई टी मैनेजर होता है वो मोस्ट ऑफ़ द टाइम्स इस चीज़ को जो है वो हैंडल कर रहा होता है लुक लुक आफ्टर कर रहा होता है कि उसकी ऑर्गेनाइजेशन में चेंज मैनेजमेंट के क्या रोल्स हैं किस किस को असाइन किए गए हैं और वो कैसे कैरी आउट किए जा रहे हैं अच्छा जी अब नेक्स्ट आ जाता है टॉपिक नंबर टू फोर्टी थ्री और इसमें हमने देखना है कि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट किसी इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी Uh, के लिए जो कैरी आउट किया जाता है उसकी क्या इंपॉर्टेंस है ठीक है तो यहाँ पे देखें साइबर सिक्योरिटी को क्या क्या चैलेंजेस जो हैं वो फ़ेस करने पड़ रहे हैं अब पाकिस्तान में अगर स्पेसिफ़िकली बात करें तो पाकिस्तान का जो सिक्योरिटी कल्चर है वो हम काफ़ी बार डिस्कस भी कर चुके हैं कि वो रिएक्टिव है कि हम रिएक्ट तो कर लेते हैं सिक्योरिटी इंसिडेंट सिक्योरिटी ब्रीचेस की तरफ लेकिन जो हमें डीप डाउन उसके लिए इंप्लीमेंटेशन वगैरह करनी चाहिए वो हम नहीं करते उसके अलावा सुपर है लाइक like, बिल्कुल फेब्रिकेट है हम ऊपर से बस रिएक्ट करते हैं और अंदर से हमारी जो डिटेल्स हैं वो बिल्कुल शैलो हैं बिल्कुल कोखली हैं उसके अलावा कंटेंशन ये होता है कि जो लाइक आई टी टीम होती है या जो आई टी डिपार्टमेंट होता है उसने डिफरेंट तरह के डिपार्टमेंट्स को जो है वो कैलें के साथ लेके चलना होता है जिस तरह इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी डिपार्टमेंट है फिर एक ऑडिट डिपार्टमेंट है एक रिस्क मैनेजमेंट डिपार्टमेंट है तो रिसोस जो हैं वो सब में डिवाइड होने होते हैं तो इसकी वजह से क्या होता है कि इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी डिपार्टमेंट तक ज़्यादा डिटेल्स और ज़्यादा रिसोर्स और ज़्यादा पावर्स जो है वो नहीं पहुंच पाती इसी तरह साइबर सिक्योरिटी का एक और चैलेंज है कि बॉक्स अप्रोच जैसे वो तो तो हमने बॉक्स सिक्योरिटी देखी थी कि हमें लगता है कि ऑल इन वन हर चीज़ की रेमेडी जो है वो एक बॉक्स है कि अगर आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन में वो बॉक्स जो है वो इम्प्लीमेंट कर लेते हैं देन यू विल गेट सोल्यूशन ऑफ लिटरली एवरी प्रॉब्लम रिलेटेड टू तो साइबर सिक्योरिटी लेकिन द थिंग इज़ ऐसा कुछ नहीं होता ये हो ही नहीं सकता कि एक सिंगल बॉक्स है और वो आपको हर तरह की साइबर सिक्योरिटी चैलेंजेस से बचा रहा है ठीक है तो हम क्योंकि इस चीज़ पे ज़्यादा रिलाई करते हैं डिपेंड करते हैं तो ये भी एक बहुत बड़ा साइबर सिक्योरिटी का चैलेंज है देन है गवर्नेंस ओवरकिल ओवरकिल्स अब असल में क्या है कि गवर्नेंस है फोर्थ स्टेप पे सिक्योरिटी ट्रांसफॉर्मेशन मॉडल के है ना तो हम क्या कर रहे हैं कि है, लाइक पाकिस्तान के सिक्योरिटी मॉडल में साइबर सिक्योरिटी मॉडल में हम फोर्थ स्टेप पे लाइक गवर्नेंस पे हम इतना ज़्यादा रिलाई कर रहे हैं और उसी पे अपनी इन्वेस्टमेंट रिसोर्स की एनर्जी की इतनी कर रहते हैं कि जिसकी वजह से बाकी जो स्टेप्स हैं जो बेसिक हैं जो क्रूशियल हैं जो फंडामेंटल हैं वो इग्नोर हो रहे हैं तो इसलिए इसका मतलब है कि गवर्नेंस जो है वो हमें ओवरकिल कर जाती है ठीक है डिनाइल ड्यूरिंग द लास्ट टेन ईयर्स के पिछली डिकेड में पिछले दस सालों में हम जो है वो इस इंडस्ट्री को डिन लाइक डिनाई करते आ रहे हैं इस पर हमने काम नहीं किया कोई अच्छा अब इफेक्टिवली अगर आप कोई प्रोजेक्ट मैनेज कर रहे हैं तो वो प्रोजेक्ट बना भी सकता है और बिगाड़ भी, भी सकता है ठीक है अब जब हमने कहा कि भाई प्रोजेक्ट मैनेजमेंट तो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में आपके पास काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ आ रही हैं और वो कौन कौन सी एक्टिविटीज़ हैं आपके पास मैनेजमेंट आ जाती है ऑर्गेनाइजिंग उसकी ऑर्गेनाइजेशन आ जाती है प्रायोरिटाइजेशन आ जाती है सारी रिसोसिस को आपने कैसे कैसे Uh, जो है वो प्रायोरिटी उनकी सेट करनी है उसके अलावा वो टास्क जो भी आपके स्टिपुलेटेड टाइम फ्रेम जब भी आपका एक वेल uh, लाइक प्री डिसाइडेड टाइम फ्रेम है कि टाइम स्लॉट है कि हाँ भाई तब तक जो है वो अपने प्रोजेक्ट कंप्लीट करना है तो ये सारी डेडलाइंस टाइमलाइंस ये सारा कुछ जो है वो आपके पास प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के अंडर आ रहा होता है ठीक है फिर सक्सेसफुल सिक्योरिटी ट्रांसफॉर्मेशन की जो इम्प्लीमेंटेशन है लाइक ये जो ट्रांसफॉर्मेशन मॉडल है फोर लेयर्स का वो आपने सक्सेसफुली इंप्लीमेंट किया अपनी ऑर्गेनाइजेशन में या नहीं किया वो इस बात पे हेविल डिपेंड करता है लाइक बहुत ज़्यादा रिलाई करता है डिपेंड करता है कि जो प्रोजेक्ट है वो किस तरह के प्रोजेक्ट मैनेजर के जो है वो हाथों में है ठीक है कहने का मकसद है कि आपका जो प्रोजेक्ट मैनेजर है जो सिक्योरिटी ट्रांसफॉर्मेशन मॉडल को कैरी आउट करवाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है उसके पास अथॉरिटी होनी चाहिए उसके पास डोमेन रेलिवेंट नॉलेज होना चाहिए उसके पास एबिलिटी होनी चाहिए सलाहियत तो होनी चाहिए कि वो सोल्यूशन सजेस्ट कर सके तो ऑल एंड अबव हम ये कहना चाह रहे हैं कि इफेक्टिव प्रोजेक्ट मैनेजमेंट जो है उसमें आपने लैंडस्केप को अंडरस्टैंड करना होता है कि अच्छा ये सीनरियो है ये प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट्स हैं इनको ऐसे मीट करना है ये माइल हैं ये डेडलाइंस हैं ठीक है और आपने जो है वो फुली जो है वो फुल वे में लाइक like आपने ऑल ओवर जो है वो आपने कमिटमेंट शो करनी है लाइक like ऑर्गेनाइजेशन में प्रोजेक्ट से रिलेटेड उस प्रोजेक्ट के अंडर जो भी इम्प्लॉइज़ और जो भी स्टाफ आ रहा है उसके ईच एंड एवरी इंडिविजुअल की ये रिस्पांसिबिलिटी है कि वो फुली कमिटेड हो ताकि हम जो सक्सेसफुल आउटकम्स हैं वो अचीव करना चाहते हैं वो हम कर लें फिर हम बात करते हैं कि कॉमन चैलेंजेस जो आमतौर तो पे प्रोजेक्ट्स के दरमियान जो है वो फेस करने पड़ते हैं डिसिप्लिन ड्यूरिंग द वन ईयर ड्यूरेशन के पिछले एक साल में आपकी ऑर्गेनाइजेशन में उस प्रोजेक्ट को या उस तरह के प्रोजेक्ट्स को डील करने के लिए क्या डिसिप्लिन क्या हर की चलती आ रही है वो बहुत मैटर करती है फिर प्रायर शॉर्टेज ऑफ रिसोसेज़ के अब इस प्रोजेक्ट के होने से पहले या इस प्रोजेक्ट के मिलने से पहले अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन को रिसोर्स की कमी का सामना था वसाइल की कमी का सामना था तो ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है फिर उसके बाद है न्यू इनिशिएटिव्स के हम अगर नए प्रोजेक्ट पे काम करते हैं जिस पे आपने पहले से आपका एक्सपीरियंस नहीं है हम कोई नया इनिशिएटिव कोई नया स्टार्टअप लेते हैं तो उसमें भी ज़्यादा चैलेंजेस होते हैं कॉन्सटेंट स्लिपेज ऑफ टास्क के हम जो भी टास्क असाइन कर रहे हैं अपने आ, आ, सब ऑर्डिनेट्स को अपने इम्प्लॉयज़ को या आपकी ऑर्गेनाइजेशन को ओवरऑल जो जब भी टास्क असाइन किए जा रहे हैं और वो बार बार हाथों से निकली जा रहे हैं लाइक आप नहीं उसको कंप्लीट कर पा रहे वो बार बार ड्रॉप कर रहे हैं तो फिर इसको कहते हैं कि कांस्टेंट स्लिपेज ऑफ टास्क टास्क एंड अगेन इट इज़ वन ऑफ द मेन कॉमन चैलेंजेस विच वी फेस ड्यूरिंग द कंप्लीशन ऑफ प्रोजेक्ट्स ठीक है एंड देन यू हैव लैक ऑफ कमिटमेंट बाई टीम मेम्बर्स के जो आपके टीम मेम्बर्स हैं जो आपका स्टाफ है अगर उसमें उनमें कमिटमेंट ही नहीं है तो डेफिनेटली हम जो है वो एंड तक अपना गोल अचीव नहीं कर सकेंगे सो विदाउट बोल्ड वेल ऑर्गेनाइज डिसिप्लिन एंड कमिटेड प्रोजेक्ट मैनेजमेंट द सिक्योरिटी ट्रांसफॉर्मेशन कैन नॉट बी अचीव्ड विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन। तो अगर इस तरह की प्रोजेक्ट मैनेजमेंट आपकी नहीं है तो आप कभी भी जो है वो अपने ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर में सिक्योरिटी ट्रांसफॉर्मेशन को इंप्लीमेंट नहीं कर सकते ठीक है सो इफेक्टिव प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इज़ द कॉर्नर स्टोन ऑफ अचीविंग सक्सेस फॉर सिक्योरिटी ट्रांसफॉर्मेशन प्रोजेक्ट तो आपने जो है वो अगर सिक्योरिटी ट्रांसफॉर्मेशन प्रोजेक्ट को कैरी आउट करना है सक्सेसफुली तो उसके लिए ज़रूरी है कि प्रोजेक्ट को अच्छे से पहले मैनेज भी किया गया हो ठीक है अच्छा अब आ जाते हैं लेक्चर नंबर टू फोटी फ़ोर और इसमें हमने प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के स्ट्रक्चर की बात करनी है स्ट्रक्चर असल में ऑर्गेनाइजेशन की हरार की या टीम्स की और वो आपस में कैसे इंटरेक्ट कर रही हैं उनकी क्या फ्रीक्वेंसी है कौन किसको रिपोर्ट कर रहा है और क्या मेकनिज़म्स फॉलो की जा रही हैं सो so, ये पायरामिट है जिसको हम मिड टर्म्स में भी या फाइनल्स में भी एक दो बार देख चुके हैं सबसे टॉप टयर पे आपके पास है बोर्ड और ये क्वार्टरली बेसिस पे जो है वो मीटिंग्स और रिपोर्टिंग्स वगैरह एनालिसिस वगैरह कैरी आउट करते हैं दैन यू हैव इंफॉर्मेशन स्टीयरिंग कमेटी जो मंथली बेसिस पे रिपोर्ट करती है एंड दैन एट द वेरी एंड यू हैव इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी मैनेजमेंट कमेटी जिसे हम आई भी कहते हैं और ये जो है वो वीकली बेसिस पे रिपोर्टिंग वगैरह करती है अच्छा अब टीम स्ट्रक्चर की बात करें तो आपके पास होता है एक आईटी कंसल्टेंट ठीक है और आईटी कंसल्टेंट जो होता है वो लाइक उस किस तरह वो इफेक्टिवली काम करता है उसे डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के डिफरेंट हेड्स की जो है वो कोऑपरेशन की जरूरत होती है और वो कौन कौन से डिपार्टमेंट्स के हेड्स हैं इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी हेड मैनेजर सिस्टम लाइक सिस्टम्स मैनेजर इस तरह मैनेजर ऑफ़ एप्लीकेशन एंड डेटा बेस एंड हैव नेटवर्क मैनेजर तो इन सब की कलेब्रेशन और कोऑपरेशन चाहिए होती है कंसल्टेंट को ताकि वो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट को सक्सेसफुली जो है वो एग्जीक्यूट कर सके यहाँ पे प्रोजेक्ट का सीक्वेंस आ जाता है सबसे पहले आपने एक ट्रैक स्टैब्लिश करना होता है फिर मिनिमम सिक्योरिटी बेसलाइन दैन यू हैव पायलट टेस्टिंग इम्प्लीमेंटेशन अक्रॉस आई टी एंड एट द वेरी एंड यू हैव कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट्स ठीक है अब यह ट्रैक है इसको एक बार देख लें लेकिन इसकी डिटेल्स में अब आपके सलेबस में नहीं है तो इसलिए एज सच इसको क्रैम करने की आपको जरूरत नहीं है फिर एक इफेक्टिव प्रोजेक्ट मैनेजर जो है उसको एक बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से अंडरस्टैंडिंग होती है कि उसने क्या अचीव करना है एंड इज एबल टू और टीम्स हर आइड रिपोर्टिंग इन ऑर्डर टू अचीव अ सक्सेसफुल प्रोजेक्ट आउटकम कि जो प्रोजेक्ट मैनेजर है इफ़ ही और शी इज़ इफेक्टिव तो क्या होगा कि उसे अच्छे से पता होगा कि भाई ये मैंने अचीव करना है ऐसे मैंने ऑर्केस्ट्रेट लाइक अरेंज करना है अपने रिसोसेज को मैनेज करना है टीम्स को हरारकी को सेट आउट करना है सेटअप करना है तो ये सारा सिनाईजिए हो इफेक्टिव प्रोजेक्ट मैनेजर जो है वही मैनेज कर सकते हैं ठीक है फिर आ जाता है लेक्चर नंबर टू फोर्टी फाइव और इसमें हमने बेसिकली पार्ट थ्री डिस्कस करना है किसका प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का अब यहाँ पे देखें बात आ जाती है रिपोर्टिंग रिपोर्टिंग इज़ अ क्रिटिकल कंपोनेंट ऑफ इफेक्टिव प्रोजेक्ट मैनेजर मैनेजमेंट एंड एज़ द फॉलोइंग ऑब्जेक्टिवस अब रिपोर्टिंग में क्या होता है कि हमने हायर टीम्स को हायर अथॉरिटीज़ को रिपोर्ट करना होता है और उनको जो है वो बताना होता है कि हमने कौन से माइल स्टोन अचीव कर लिए कहाँ पर कोई लैक लैक हम कर रहे हैं कहाँ पर डिस्क्रिपेंसी जा रही है कहाँ पर हम ओवर एफिशियट हो रहे हैं दिस एंड दैट तो रिपोर्टिंग के अगेन हमने पहले ऑब्जेक्टिव्स पढ़ने हैं तो इससे क्या होता है कि इट क्रिएट्स विजिबिलिटी क्या आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है लाइक जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन है उसमें जो भी कह लेंगे प्रोजेक्ट्स कैरी आउट किए जा रहे हैं वो क्रिस्टल क्लियर हैं ठीक है मतलब हम रिपोर्ट अगर हायर अथॉरिटीज़ को कर रहे होते हैं तो उन्हें पता चल रहा होता है कि जो उनके सब ऑर्डिनेट्स हैं वो किस तरह का काम कर रहे हैं इसी तरह जो रिसोर्सेज हैं उनको हम अपने इनपुट्स में इन्वॉल्वमेंट में जो है वो इंगेज uh, रखते हैं लाइक like रिसोर्स को हम बेटर वे में डील कर सकते हैं यूज़ कर सकते हैं ठीक है उसके अलावा हम मैनेजमेंट को इन्फॉर्म रख सकते हैं अपने सक्सेस और अपने चैलेंजेस के बारे में अगर हम रिपोर्टिंग अच्छे से करें उसके अलावा ये क्रेडिबिलिटी क्रिएट करती है क्यों क्योंकि हायर टीम्स को पता होता है कि हाँ सब ऑर्डिनेट्स काम कर रहे हैं और वो आपको प्रॉपर वे में आपको रिपोर्ट भी बता रहे हैं कि भाई इतना हो गया इतना रह गया या ये कमी बेशी जा रही है या जिससे ठीक है उसके अलावा ये टीम मेम्बर्स को ये मेक श्योर sure कराने के लिए लाइक दे आर ऑन देयर टोज के दे आर वर्किंग डे एंड नाइट इन ऑर्डर टू अचीव द गोल्स ठीक है तो ये सारे थे ऑब्जेक्टिव्स रिपोर्टिंग के अब ट्रांसफॉर्मेशन प्रोजेक्ट की मेन एंटिटीज़ हैं कुछ जिसमें आईटी टीम्स आ जाती हैं देन यू हैव आईटी स्टीयरिंग कमेटी और आईएसएमसी uh, है आपके पास एंड देन यू हैव बॉर्डर एक्जिव इसको आपने एक बार देख लेना इसी तरह देखें जो स्टीयरिंग कमेटी होती है वो मंथली स्टेटस पे मंथली बेसिस पे स्टेटस अपडेट करती है फिर जो बोर्ड होता है वो क्वार्टरलीवल पर एंड दैन यू हैव आई एस जो हमने पायरामिड लाइक पायरामिड में भी देखा था कि वीकली लेवल पे जो है वो स्टेटस को अपडेट करते हैं ठीक है अच्छा फिर उसके बाद यहाँ पे अब सिंपल ये ट्रैक्स हैं आपके पास कुछ चीज़ें हैं और फिर उसके उनके स्टेटस हैं ठीक है और ये ओवरऑल प्रोजेक्ट डैशबोर्ड है और यहाँ पर हम कमेंट्स हैं वो एड कर सकते हैं आपकी मर्जी से अपने रेफरेंस के लिए और स्टेटस है कि कोई ट्रैक जो है कोई प्रोसेस जो है वो ऑन स्केजल है या उसको अभी अटेंशन चाहिए या फिर इन प्रोग्रेस है या डिले हो चुका है दिस एंड डेट अच्छा अब डैशबोर्ड ये जो अभी हमने पीछे देखा ये इसलिए ज़रूरी है इसके ये गोल हैं कि हमें एक सिंपल और सिंगल व्यू मिल जाता है सारे प्रोजेक्ट्स के ट्रैक का और हमें पता चल जाता है कि हमारा प्रोजेक्ट इस वक्त कहाँ स्टैंड आउट कर रहा है ठीक है फिर उसके बाद हमें ये पता चल जाता है कि जो प्रॉब्लमेटिक एरियाज़ हैं कि जो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं या जिनको भी अटेंशन की ज़रूरत है वो हमें पता चल जाते हैं फिर उसके अलावा आपकी साथ के साथ जो है वो रिपोर्ट क्रिएट हो जाती है मंथली या क्वार्टरली लाइक आफ्टर एवरी थ्री मंथ्स की जो स्टीयरिंग कमेटी या बोर्ड की जो रिपोर्ट्स हैं वो भी साथ सा तैयार हो जाती हैं डैशबोर्ड की वजह से ठीक है इस स्लाइड को जो है वो आपने अच्छे से देख लेना है क्यों क्योंकि मैं आपको बता चुकी हूँ कि आपके सिलेबस में इस तरह की जो आपके पास स्लाइड्स आ रही हैं टेबल्स की फॉर्म में आपने इनको इग्नोर नहीं करना है ये अक्सर लॉन्ग शॉर्ट में तो आमतौर तो पे आ आई जाती होती हैं ठीक है थीके? सबसे पहले आपके पास आ जाता है फोरम लाइक आई एस एम सी देन कमेटी एंड एट द वेरी एंड यू हैव बोर्ड मीटिंग ठीक है तो आई जो है वो वीकली लेवल पे स्टेटस अपडेट करता है और रिपोर्ट का फॉर्मेट uh, होता है पीडीएफ मिनट्स ऑफ मीटिंग मिनट्स ऑफ मीटिंग वो रिकॉर्ड या वो नोट्स होते हैं जो ड्यूरिंग द मीटिंग हम क्रिएट कर रहे होते हैं साथ साथ लिख रहे होते हैं ठीक है ऑब्जेक्टिव है इसकी है कि आपने टास्क को आइडेंटिफाई करना है रिस्पॉन्सिबिलिटीज को असाइन करना है और टाइम लाइन चेकआउट करनी है स्टीयरिंग कमेटी मंथली बेसिस पे स्टेटस अपडेट करती है और इसकी पावर पॉइंट्स प्रेजेंटेशन स्लाइड्स होती हैं जैसे अभी हम प्रेजेंटेशन स्लाइड से ही पढ़ रहे हैं तो इसका काम होता है कि इसने लाइक जो रेलिवेंट हेड्स हैं उनको जो है वो इन्फॉर्म करना है प्रोग्रेस के बारे में और बताना है कि कौन कौन से चैलेंज हैं फिर आपके पास आ जाती है बोर्ड मीटिंग और बोर्ड मीटिंग जो है वो क्वार्टरली लाइक आफ्टर एवरी थ्री मंथ्स जो है वो होती है और अगेन इसका रिपोर्ट फॉर्मेट तो सेम है लेकिन इसका ऑब्जेक्टिव क्या है कि ये क्रिटिकल लुक एक देती है आपको लाइक एक, एक कह लें कि एनालाइज करके एनालाइज करके आपको एनालिसिस के बाद एक लुक आपको प्रोवाइड करती है और ये बताती है कि क्या प्रोग्रेस आपने अचीव कर लिया है कौन कौन से चैलेंजेस हैं उनको आइडेंटिफाई करती है उनके सोल्यूशनस देखती हैं और जिससे भी उसने हेल्प लेनी होती है रेलिवेंट डिपार्टमेंट से उसको सीख सीख करती है लाइक like गेन करती है आपटेन करती है ठीक है सो बाई क्रिएटिंग एन एक्यूरेट ऑनेस्ट एंड डिसप्लिन रिपोर्टिंग मैकानिज़म द प्रोजेक्ट मैनेजर इंश्योर्स दट ऑल द प्रोजेक्ट स्टेक होल्डर्स आर इन्फॉर्म्ड इन्वॉल्व एंड हेल्पिंग वे आर नसेसरी फॉर प्रोजेक्ट सक्सेस तो कहने का मकसद है कि अगर आपका जो प्रोजेक्ट मैनेजर है वो रिपोर्टिंग मैकेनिज्म जो है वो एक्यूरेट ऑनेस्ट और वेल डिसप्लेंड रखता है तो इसकी वजह से क्या होगा कि जो भी सारे स्टेक होल्डर्स हैं उन्हें साथ के साथ जो है वो पता चलता रहता है कि जो प्रोजेक्ट है वो कितना जो है वो सक्सेसफुल हो गया है कितना नहीं हुआ ठीक है अच्छा अब आपके पास जो है वो लेक्चर आ जाता है लेक्चर नंबर टू फोर्टी सिक्स इसमें हमने बात करनी है लीडरशिप की लीडरशिप जो है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट फॉर इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी का बेसिकली पार्ट फोर है इसमें वो कह रहे है कि जो सिक्योरिटी ट्रांसफॉर्मेशन प्रोजेक्ट है उससे एक साल का तकरीबन जो है वो टाइम लैप्स ज़रूर चाहिए होता है लाइक like मिनिमम भी आपके पास एक साल चाहिए होता है जिसमें मुसलसल जो है वो ज़्यादा ज़्यादा एफर्ट की जाए और फिर जो है वो सारी फोर लेयर सक्सेसफुली एग्जीक्यूट होती हैं ठीक है थीके? सो ऑल द रिसोर्स हैव टू बी टाइटली फोकस्ड ऑन द सक्सेसफुल आउटकम तो आपकी ऑर्गेनाइजेशन में आपके इंटरप्राइज में जितने भी रिसोर्सेज हैं बी इट द आई टी एसेट्स और यियो कंप्यूटिंग सिस्टम्स और इवन द स्टाफ उन सब के लिए ज़रूरी है कि वो किसी मेन सक्सेसफुल आउटकम पे जो है वो ड्यूरिंग द होल वन ईयर फोकस करके रखें तो अगर इस तरह के सिनारी में आपके पास लीडरशिप ही नहीं है तो फिर अल्टीमेटली क्या होगा कि जो ट्रांसफॉर्मेशन है फोर लेयर सिक्योरिटी ट्रांसफॉर्मेशन मॉडल कि ये कैरी आउट ही नहीं की जा सकेगी ठीक है तो लीडरशिप जो है उसके यहाँ पे कुछ की ट्रेड्स या क्वालिटीज़ आपको दी हुई हैं कि ऑथेंटिसिटी होनी चाहिए ओपननेस एंड ट्रांसपेरेंसी लाइक कोई बाइस्ड रिजल्ट uh, नहीं होने चाहिए उसके अलावा सारे इंडिविजुअल्स और सारी टीम्स के लिए इक्वल रिस्पेक्ट होनी चाहिए मोटिवेशन क्रिएट की जानी चाहिए इंटेग्रिट होनी चाहिए लाइक like कोई उसमें अननेसेसरी मॉडिफिकेशन नहीं होनी चाहिए एंड बोल्डनेस टू टेक अ स्टैंड और जब जहाँ पे जिस तरह का स्टैंड लेना पड़े अपनी टीम के लिए अपने प्रोजेक्ट कंप्लीशन के लिए वो जो है वो लीडरशिप को लेना चाहिए ठीक है सो द टेक्निकल रिसोर्स विल ऑलवेज रिस्पेक्ट अ लीडर हु हैज़ अ नॉलेज ऑफ हिज और हर डोमेन एंड इज इज एबल टू प्रोवाइड अ क्लियर एंड इफेक्टिव स्ट्रैटेजी तो जो भी टेक्निकल रिसोर्सेज जो भी आपका स्टाफ है जो आपके इंप्लाइज हैं वो हमेशा उस तरह के लीडर को रिस्पेक्ट करेंगे और उसकी बात मानेंगे जिसके पास डोमेन नॉलेज स्किल भी है और वो एक आपको क्लियर गोल और क्लियर डायरेक्शन प्रोवाइड करता है कि भाई ये जो प्रोजेक्ट जो आपने है कम्प्लीट uh, करना है वो किस ट्रैक से होके कंप्लीट होगा सो सिक्योरिटी ट्रांसफॉर्मेशन लीडर जो है इट इज़ ऑल अबाउट क्रिएटिंग ट्रस्ट एंड टीम इन्वॉर्मेंट एंड टू फैसिलिटेट द एफर्ट रिजल्टिंग इन पॉजिटिव आउटकम और इसमें जो है वो सिक्योरिटी लीडरशिप uh, का जो ट्रांसफॉर्मेशन प्रोजेक्ट है लाइक सिक्योरिटी ट्रांसफॉर्मेशन प्रोजेक्ट में जो लीडरशिप है इट इज़ अबाउट वर्किंग विद पीपल ठीक है एट ऑल लेवल्स टू क्रिएट अ क्रेडिबल एंड सक्सेसफुल प्रोजेक्ट क्यों क्योंकि टीम वर्क मेक्स द ड्रीम वर्क तो ये नहीं हो सकता कि हम टीम के बगैर जो है वो कोई अकेला लीडर जो है वो सारे प्रोजेक्ट्स को मैनेज करे और सारे सिक्योरिटी ट्रांसफॉर्मेशन मॉडल को कैरी आउट करे इट्स नॉट पॉसिबल क्यों क्योंकि टीम जो है इट डज़ प्ले अ वेरी क्रुशल रोल तो बस कहने का मकसद है कि लीडरशिप को ऐसा ज़रूर होना चाहिए कि वो सब चीज़ें सेवन और ये है कैपेसिटी मैनेजमेंट का और यहाँ पे इसका बेसिकली है पार्ट वन अच्छा आई एस ट्वेंटी सेवन थाउजेंड एंड वन का ये ट्वेंटी थर्टीन वेरियन है ठीक है और अगेन ये गोल्डन स्टैंडर्ड है गोल्डन फ्रेमवर्क है आपके आ, सारे इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी कल्चर के लिए सो so, इसके अकॉर्डिंग द यूज़ ऑफ रिसोर्स के आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन में अपने प्रोजेक्ट्स को एकॉम्पलिश करने के लिए इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी को बिल्ड करने के लिए जो भी रिसोस यूज़ करने कर रहे हैं आपने उनको मोनिटर करना like है उनको ट्यून करना है लाइक उनकी एनालिसिस बेटर में भी करनी है और उनको प्रोजेक्शन लाइक उनको प्रोवाइड करनी है मेड फ्यूचर कैपेसिटी रिक्वयरमेंट्स टू इंश्योर दैट द रिक्वायर सिस्टम परफॉर्मेंस Hmm. अच्छा यहाँ पे अब देखें कि वो ये कह रहा है कि आई एस ओ का ये ट्वेंटी सेवन थाउजेंड वन का जो ट्वेंटी थर्टीन वरियन है इसमें हमने इसके अकॉर्डिंग रिसोर्स को ऐसे जो है वो लाइक रिसोस like के यूज़ को आपने ऐसे मॉनिटर ट्यून करना है मॉनिटर और ट्यून करना है एनालाइज करना है कि हम क्या कर सकें कि आप लाइक uh, like, जो भी आपका प्रोजेक्ट है जो भी आपके सिस्टम की परफॉर्मेंस है उनकी रिक्वायरमेंट्स को जो है वो हम इक्वली मीट कर सकें ठीक है अब कैपेसिटी मैनेजमेंट ये होती है कि हमने मेक श्योर sure करना होता है कि जो आईटी सर्विसेज और आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर है वो एग्रीड लेवल पर एक इफ़ेक्टिव वे में जो है वो एग्जीक्यूट हो पा रही है या नहीं कि आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है ऑर्गनाइजन कल्चर है उसके पास इतने रिसोर्सेज और इतनी कैपेसिटी है कि वो नीड्स और रिक्वायरमेंट्स को जो है वो कम कॉस्ट में और कम टाइम में जो है वो पूरा कर सके ठीक है उसके अलावा कैपेसिटी मैनेजमेंट प्रोसेस जो है वो सारे रिसोसेस रिसोसेज देखता है जो चाहिए होते हैं आईटी सर्विस को डिलीवर करने के लिए फिर उसके अलावा वो ये देखता है कि कौन सी रिक्वायरमेंट्स जो है वो शॉर्ट टर्म है बिज़नेस की कौन सी मीडियम टर्म है और कौन सी लॉन्ग टर्म है फिर वो उस हिसाब से रिसोसेस जो है वो एलोकेट करता है फिर आई टी आई एल ये जो लाइब्रेरी यह इंफ्रास्ट्रक्चर की इट सजेस्ट थ्री सब प्रोसेस अब आपके पास सब प्रोसेस लाइक प्रोसेस की आगे सब डिवीजन लगाने हैं सब प्रोसेस वो तीन तरह के हैं एक यू हैव बिज़नेस कैपेसिटी मैनेजमेंट then यू हैव सर्विस capacity मैनेजमेंट एड एट दैरी एंड यू हैव कंपोनेट कैपैसिटी मैनेजमेंट ठीक है सबसे पहले आ जाता है बिजनेस कपैसिटी मैनेजमेंट इसमें आम तौर क्या किया जाता है कि जो बिजनेस के प्लान्स होते हैं और जो बिज़नेस की नीड्स होती हैं हम उनको ट्रांसफॉर्म करते हैं और हम ये देखते हैं कि जो आपकी आई टी हैं जिनको हमने मीट करना है उनकी क्या रिक्वायरमेंट्स हैं और आपका जो बिज़नेस है वो अपनी मतलब उसकी ये ज़रूरियात को वो पूरा कर रहा है या नहीं ठीक है फिर उसके बाद जैसे जैसे कस्टमर्स का जो बिज़नेस होता है वो चेंज होता है तो फिर रिक्वायरमेंट्स भी चेंज होती रहती हैं तो फिर हमने क्या करना होता है कि डिमांड के मुताबिक रिक्वायरमेंट्स को सेचट करना होता है उनकी नीड्स को फुलफ़िल करना होता है फिर आपके पास आ जाता है सर्विस कैपेसिटी मैनेजमेंट और सर्विस कैपेसिटी मैनेजमेंट का ये फोकस होता है कि वो मैनेजमेंट पे फोकस करती है फिर कंट्रोल एंड प्रेडिक्शन ऑफ एंड टू एंड परफॉर्मेंस ऑफ लाइव आईटी रिसोर्सेज रिसोर्स यूजेज एंड वर्कल के जो आई टी सर्विसेज़ हैं वो कैसे यूज़ हो रही हैं उनका क्या वर्क लोड है लाइक like, कितने वो पीछे जा रही हैं कितना वो लैग कर रही हैं उसके अलावा एंड टू एंड परफॉर्मेंस को प्रडिक्ट करना है कि कितने टाइम में कितना माइलस्टोन अचीव हो जाएगा तो ये सारा सर्विस कैपेसिटी मैनेजमेंट में आ जाता है इट्स अबाउट मैयरिंग परफॉर्मेंस एंड कंपेयरिंग इट टू द रिक्वायरमेंट्स दैट आर सेट इन सर्विस लेवल एग्रीमेंट्स और सर्विस लेवल रिक्वायरमेंट्स अब आपने ये दो एम के लिए देख लेने हैं एस एंड एस सर्विस लेवल एग्रीमेंट्स और सर्विस लेवल रिक्वा रिक्वायरमेंट्स इन दोनों के अकॉर्डिंग जो है वो हमने परफॉर्मेंस को मैर करना होता है और कंपेयर करना होता है कि इसमें सर्विस कैपेसिटी मैनेजमेंट में एंड एट द लास्ट यू हैव कंपोनेंट कैपेसिटी मैनेजमेंट इसमें हम मैनेजमेंट कंट्रोल पे लाइक फोकस रखते हैं फिर परफॉर्मेंस को प्रोडक्ट करने पे फिर आपके पास जो टेक्नोलॉजी के कम्पोनेंट हैं लाइक आपकी हार्ड डिस्क आपके प्रोसेसर्स वो कितने यूज़ हो रहे हैं और वो किस कितने यूज़ के काबिल हैं ये सारा कुछ आपने देखना होता है ठीक है फिर आ जाता है लैक्शन नंबर टू फोर्टी एट यहाँ पे कैपेसिटी मैनेजमेंट की ही डिस्कशन को हमने कंटिन्यू करना है और ये बेसिकली आपका पार्ट टू है कैपेसिटी रिक्वायरमेंट्स जो है उनको आइडेंटिफाई किया जाना चाहिए आई एस ओ ट्वेंटी सेवन थाउजेंड टू की गाइडेंस के मुताबिक और उसमें आपने बिजनेस क्रिटिकलिटी को जो है वो ध्यान में रखना है ठीक है उसके अलावा सिस्टम की ट्यूनिंग और मोनीटरिंग आपने अप्लाई करनी है और जहाँ पर आपको ज़रूरी हो वहाँ पर आपने जो है वो अवेलेबिलिटी को कोम्प्रूव करना है फिर आ जाता है कि डिटेक्टिव कंट्रोल्स जो हैं वो वो आपने लगाने हैं और डिटेक्टिव कंट्रोल्स आई एस ओ ट्वेंटी सेवन थाउजेंड टू की गाइडेंस के मुताबिक इसकी गाइडलाइन के मुताबिक जो डिटेक्टिव कंट्रोल्स हैं वो जो हैं वो हमेशा एक्टिवेटेड रहने चाहिए ताकि टाइमली जो है जो भी प्रॉब्लम्स हो उन प्रॉब्लम्स हो उनको आइडेंटिफाई किया जा सके फिर उसके अलावा जो फ्यूचर में आपके पास जितनी रिक्वायरमेंट होगी कैपेसिटी की उनको आपने प्रोजेक्ट करना है उनका आपने आइडिया लगाना है ठीक है और जैसे आपको एलएमएस पे एक प्रोजेक्टेड सीजीपीए का टैब नज़र आता है अपनी ग्रेड बुक में तो इसी तरह उसमें क्या होता है कि हम अपनी मर्जी से मार्क्स एटर करके अपनी सी जी पी का कैलकुलेट कर सकते हैं उसका अंदाज़ा लगा सकते हैं कि राउंड अबाउट हमारी इतनी आ जाएगी इसी तरह से फ्यूचर में आपकी ऑर्गेनाइजेशन को आपकी ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर को जितनी भी कैपेसिटी चाहिए रिसोर्स जितने भी चाहिए जो भी उसकी रिक्वायरमेंट्स होंगी उसके हिसाब से आपने नए बिजनेसिस और नए सिस्टम्स जो हैं वो देखने हैं और उसके अलावा आपने ट्रेंड्स को भी ध्यान में रखना है कि क्या करंट ट्रेंड चल रहा है क्या प्रेडिक्टेड ट्रेंड है दिस एंड दैट फिर उसके अलावा लॉन्ग प्रक्योरमेंट लीड टाइम्स और हाई कॉस्ट इन सब चीज़ों पे जो है वो अपने अटेंशन पे करनी है ताकि आपके रिसोसिस को इफेक्टिवली मैनेज किया जा सके दें यू आर प्रोवाइडिंग सफिशेंट कपैसिटी कैन बी अचीव्ड बाई इंक्रीजिंग कैपेसिटी और बाई रिड्यूसिंग डिमांड तो देखें किसी अगर आपकी uh, टीम के पास आई लाइक आपकी आई टी टीम के पास कोई चीज़ कोई भी रिसोर्स समझ लें हार्ड डिस्क जो हैं वो दस हैं ठीक है लेकिन जो भी प्रोजेक्ट्स हैं उनमें पंद्रह पंद्रह जो है वो हार्ड डिस्क जितना काम आ रहा है तो या तो आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन की कैपेसिटी बढ़ा लें कि उसको ही पंद्रह या बीस कर लें बढ़ा के या फिर डिमांड आप उधर से रिड्यूस कर दें कि पंद्रह वाले प्रोजेक्ट नहीं हम कर सकते दस वाले कर सकते हैं ठीक है तो ये एक गाइडलाइन है फिर उसके बाद आपके पास जो है इसी तरह अगर आपने कैपेसिटी डिमांड को इसी तरह मैनेज करना है तो इसमें काफ़ी सारी चीज़ें आ सकती हैं सबसे पहले आपके पास आता है कि जो आपके पास पुराना ऑब्जलीट आउटडेटेड डेटा है उसको डिलीट कर दें फिर भी डिस्क स्पेस पे जगह बच जाएगी या फिर डी कमिशनिंग ऑफ एप्लीकेशन सिस्टम्स और डेटा बेस और इन्वायरमेंट्स के आप डि डी कमीशन कर दें रिटायर कर दें एप्लीकेशन को सिस्टम्स को जो आपको नहीं चाहिए उसके अलावा बैच प्रोसेस एंड कैजुलस को आपने ऑप्टिमाइज़ करना है ट्रेड ऑफ क्रिएट करना है बिटवीन द बेनिफिट्स एंड द रिस्क फिर उसके बाद आ जाता है कि एक डॉक्यूमेंटेड कैपेसिटी मैनेजमेंट प्लान जो है वो आपने बनाना है और किस चीज़ के लिए बनाना है मिशन क्रिटिकल सिस्टम्स के लिए कि जो सिस्टम्स लाइक uh, like जो चीज़ें जो है वो आपके सिस्टम के लिए क्रिटिकल हैं क्रिटिकलिटी के हिसाब से जो है वो आपने डॉक्यूमेंटेशन भी करनी है ह्यूमन रिसोर्स देखने हैं ऑफिस और फैसिलिटीज़ सो आई टी आई एल लुक्स एट कैपेसिटी मैनेजमेंट मोर इन डेप्थ अंडर सर्विस डिज़ाइन फेज ये आपने एम सी क्यू के लिए देख लेना है उसके अलावा आई आई एस ओ ट्वेंटी सेवन थाउजेंड टू प्रोवाइड सम यूजफुल गाइडेंस और इंडस्ट्री में क्या हो रहा है कि हमें कैपेसिटी मैनेजमेंट जो है वो एक प्रॉपर मिलती नहीं है उसको एक प्रोसेस की तरह जो है वो डिफरेंट स्टेप्स में फिगर आउट नहीं किया गया और ना उसकी प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन कैरी आउट की जाती है सो इट्स वन ऑफ़ द मेजर ड्रॉबैक्स वि वी आर फेसिंग इन आर सिक्योरिटी कल्चर सो अब यहाँ पे आ जाता है लेक्चर टू फोर्टी नाइन और इसमें हमने रिस्क मैनेजमेंट और इंटरनल ऑडिट की बात करनी है यहाँ पे अब तीन लेवल्स हैं जिन्हें हम लाइंस ऑफ डिफेंस कहते हैं एंड दे आर वेरी इंपॉर्टेंट इनको आपने देख लेना है सबसे पहले आपके पास आ जाती है फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस देन यू हैव सेकंड एंड देन थर्ड इन तीनों को मैं ऐसे समझा सकती हूँ फॉर एग्जाम्पल हमारी जो बॉडी होती है लाइक uh, like आपकी स्किन जो है वो फर्स्ट लाइन ऑफ़ डिफेंस है कि अगर कोई भी जर्म्स का फॉर एग्जांपल पार्टिकल है किसी इन्फेक्शस कोई पार्टिकल है तो सबसे पहले स्किन जो है वो फाइट ऑफ करने की कोशिश करती है डिफ़ेंड करने की कोशिश करती है फिर अगर स्किन जो है वो उसको डिफेंड uh, नहीं कर सकती तो फिर स्किन के बाद जो है वो आपके इम्यूनिटी सिस्टम के सेल्स आ जाते हैं इम्यून सेल्स आ जाते हैं ठीक है थीके? और फिर अगर वो भी नहीं उसको इफेक्ट कर पाते तो वो हमारे डायरेक्ट ऑर्गन्स में और हमारी ब्लड स्ट्रीम में चला जाता है इन्फेक्शस ऑर्गन इन्फेक्श लाइक जो भी uh, कह लें कि वायरस है और वो अल्टीमेटली क्या होता है कि फिर वो पैथोजेंस वग़ैरह की रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है इसी तरह समझ लें कोई आपके पास कोई बहुत बड़ा पैलेस है और उसकी उसमें जो है वो कोई आर्टिफैक्ट्स और इस तरह की कोई हिस्टोरिकल चीज़ें पड़ी हैं जिनको हमने प्रोटेक्ट करना है तो सबसे पहले आपने बाउंड्री जो पूरे महल की उस पूरे म्यूज़ियम की समझ लें जो आपने एक बाउंड्री क्रिएट की हुई है गेट्स uh, वगैरह लगे हुए हैं काफ़ी सारे लॉक्स हैं वो होगी फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस फिर अगर कोई uh, मतलब uh, कोई रॉबरी करने के लिए लोग आते हैं टीव्स आते हैं वो सबसे पहले अगर फर्स्ट लाइन ऑफ़ डिफेंस लाइक गेट्स वगैरह को क्रॉस कर जाते हैं तो सेकंड लाइन में जो है वो आपके पास हम कह लें कि बॉडी गार्ड्स जो होते हैं जिन्हें सिक्योरिटी गार्ड्स कहते हैं वो खड़े होंगे ठीक है अगर वो भी नहीं डिफेंड कर पाते तो फिर क्या होगा कि वो थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस में पहुँच जाएंगे और थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस एक स्पेशलाइज टीम होगी uh, जो जिसके पास वेपन्स वगैरह होंगे दिस एंड डेड तो ये बेसिकली लाइंस ऑफ डिफेंसिस का कॉन्सेप्ट है थोड़ा सा सो आई होप यू हैव कोट माय पॉइंट तो सबसे पहले आपके पास आ जाती है फर्स्ट लाइन ऑफ़ डिफेंस तो जब हम रिस्क मैनेजमेंट और इंटरनल ऑडिट की बात करते हैं तो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस में आपके पास आ जाते हैं बिजनेस एंड आईटी फंक्शंस सेकंड लाइन में आपके पास आ जाती है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रिस्क मैनेजमेंट फंक्शन एंड देन यू हैव इंटरनल ऑडिट तो ऑडिट जो है वो थर्ड स्टेप परफॉर्म किया जाता है अब यहाँ पर जो रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज लिखी हुई हैं इनको अपने अपने एंड पे जो है वो एक बार रीड कर लेना अच्छा अब यहाँ पे देखें कि बिज़नेस और आई टी फंक्शंस या जिन्हें हम मैनेजमेंट कंट्रोल भी कहते हैं ये बेसिकली फ़र्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है और उसके अलावा जो है ये साइबर रिस्क को कोप अप करने के लिए यूज़ होती है ठीक है और समटाइम्स हम इसके लिए जो है वो टर्म यूज़ करते हैं मैनेजमेंट कंट्रोल और इसमें जो है वो हम रिस्क इवेंट्स को हैंडल करते हैं और डिफरेंट की रिस्क इंडिकेटर्स जैसे की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स होते हैं वैसे की रिस्क इंडिकेटर्स होते हैं तो उनको जो है वो अपडेट किया जाता है कि इसमें बिजनेस मैनेजमेंट फंक्शंस में ठीक है और इसको मैनेजमेंट कंट्रोल भी कहा जाता है फिर उसके अलावा यहाँ पे यहाँ पे देखें पीपल प्रोसेस एंड टेक्नोलॉजी तो ये ट्रायर्ड था इफ़ यू डू रिमेंबर हमने मिड टर्म्स में पढ़ा था अच्छा फिर सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस आ जाती है जो क्या करती है कि ये एक एग्रीगेट लेवल पे लाइक like, एक म्यूचुअल कलेक्टिव लेवल पर जो है वो मोनिटर कर रही होती है कि क्या रिस्क हैं और आपने उनको कैसे डिफेंड करना है और फर्स्ट और सेकेंड लाइन ऑफ डिफ़ेंस में यही फर्क है कि इसमें थोड़ा कम्पलाइंस लीगल अथॉरिटीज़ का क्वालिटी कंट्रोल और फाइनेंशियल कंट्रोल का ज़्यादा रोल आ जाता है ठीक है सेकेंड लाइन जो है इसमें हम की लाइक ए आर आईज की बात करते हैं मेट्रिक स्टैंडर्ड्स देख लेते हैं रिस्क असेसमेंट्स क्रिएट करते हैं ये कुछ चीज़ें याद करने वाली हैं समझ के तो आपने इनको एक बार पढ़ लेना है अच्छे तरीके से ठीक है सो so, अब यहाँ पे क्या है कि समटाइम्स uh, ये फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस डिफेंस को जो है वो सुपर सीड रही होती है क्यों क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि अगर फर्स्ट लाइन ऑफ़ डिफेंस आपको बाउंड्री क्रिएट ना करके दे सके आपके सिस्टम को सिक्योर ना कर सके तो फिर सेकंड की ज़रूरत पड़ती है ठीक है इसको सबको एक बार रीड आउट कर लें फिर यहाँ पे आ जाता है कि इश्यूज़ विद रिस्क मैनेजमेंट इन पाकिस्तान के आ, पाकिस्तान में जो रिस्क मैनेजमेंट का पूरा डिपार्टमेंट है उसमें हज़ार की जो है वो आईटी फील्ड में वेल well ट्रेंड नहीं है उसके अलावा कोई सेपरेट डिपार्टमेंट नहीं है लेकिन और अगर है भी तो उसका मच्योरिटी लेवल कोई नहीं है उसके अलावा रिस्क मैनेजमेंट को सिर्फ एक आउटसाइडर के तौर पे कंसीडर किया जाता है उसे सिस्टम का पार्ट नहीं समझा जाता उसके अलावा आई टीम के साथ उसकी कोऑपरेशन भी अच्छी नहीं है जिसकी वजह से रिस्क मैनेजमेंट पाकिस्तान के सिक्योरिटी कल्चर में बहुत बोर है अच्छा ये वही स्लाइड्स रिपीट हो रही हैं इसमें थर्ड लाइन ऑफ़ डिफेंस लाइक इंटरनल ऑडिट को हमने देखना है थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस जो है वो इंटरनल ऑडिट होती है इट में आल्सो इंक्लूड इनपुट फ्रॉम एक्सटर्नल ऑडिटर्स एंड रेगुलेटर्स के जो बाकी रेगुलेटर्स होते हैं कंप्लाइंट होल्डर्स होते हैं ये जो बाहर वाले एक्सटर्नल पार्टीज़ के ऑडिटर्स होते हैं ये सारे जो है वो इंटरनल ऑडिट क्रिएट कर सकते हैं और इसके अलावा इस पूरे फंक्शन को इस लाइन ऑफ डिफेंस को आमतौर पर इंडिपेंडेंट एश्योरेंस कहा जाता है और ये ओवरऑल आपको आप, लाइक आपके रिस्क गवर्नेंस प्रोसेस को जो है वो एनालाइज कर रही होती है मोनीटर कर रही होती है और समाइम्स क्या होता है कि इट कैन पुश बैक ऑन द दर्शन ऑफ द प्रीवियस लाइन्स रिगार्डिंग द एडिक्वेसी ऑफ कंट्रोल्स इन प्लेस के जो कंट्रोल्स जो बेंच मार्क्स आपके ऑर्गेनाइजेशन में वेल well वे में एग्जीक्यूट और इम्प्लीमेंटेड होने चाहिए थे समटाइम्स वो नहीं हो पाते जिसकी वजह से इंटरनल ऑडिट उन सबको सुपर सीट कर जाता है उनको पुश बैक कर देता है जो पिछली दो लाइंस ऑफ डिफेंस ठीक है और ये जो फंक्शन है इंटरनल ऑडिट का ये आमतौर तौर पर रिपोर्ट करता है डायरेक्टली या तो बोर्ड को या फिर ऑडिट कमेटी को अब अगेन कुछ इश्यूज हैं इंटरनल ऑडिट ऑफ पाकिस्तान के साथ इसमें क्या होता है कि बाकी डिपार्टमेंट्स के साथ हम सेम पेज पे नहीं है सेम ग्राउंड पे नहीं है जो चीज़ें हैं जो रिसोर्सेज हमारे लिए एलोकेटेड होने चाहिए थे इंटरनल ऑडिट के लिए वो नहीं है किस में पाकिस्तान में इसी तरह की परफॉर्मेंस इंडिकेटर सीम्स टू बी द हाईएस्ट नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन नॉट ऑर्गनाइजेशनल बेनिफिट कि हम क्या करते हैं कि के पी के अकॉर्डिंग हम ऑब्ज़रवेशन का इतना ही फ्रिक्वेंटली हम लेते हैं लेकिन वो हमारी ऑर्गेनाइजेशन को एट द एंड ऑफ द डे बेनिफिट नहीं दे रही होती ठीक है थीके? उसके अलावा तो नंबर ज़्यादा होने का क्या फ़ायदा है अगर वो क्वालिटी नंबर ही नहीं है सो क्वालिटी मैटर्स क्वान्टिटी डजेंट ठीक है सो नो कॉमन सिक्योरिटी विजन इन ऑर्गेनाइजेशन तो लाइक uh, like आपकी ऑर्गेनाइजेशन के कल्चर में पाकिस्तान में कोई सिक्योरिटी विजन ही नहीं है और हर चीज़ का कोई ना कोई विजन कोई पॉइंट ऑफ व्यू होना ज़रूरी होता है फिर हम उस चीज़ को बेटर वे में कंप्लीट कर रहे होते हैं ठीक है सो so, यहाँ पे आ जाता है लार्ज नंबर ऑफ पॉइंट ऑब्जर्वेश्स डू नॉट हेल्प टू इम्प्रूव द सिक्योरिटी पोस्टर जैसे मैंने अभी आपको बताया कि क्वालिटी मैटर करती है क्वांटिटी नहीं मैटर करती तो आप इतनी सारी ऑब्जर्वेशन तो ले लें लेकिन अल्टीमेटली क्या होगा कि उससे आपका सिक्योरिटी पोस्चर आपकी ऑर्गेनाइजेशन का बिल्कुल भी इम्प्रूव नहीं होगा क्यों क्योंकि दिस वॉज दैट वॉज द क्वालिटी दैट वॉज इंपॉर्टेंट और वो हमने ली नहीं बस हमने इस चीज़ पर फोकस रखा कि हमने ऑब्जर्वेशन ज़्यादा लेनी है सो so, ये ज़्यादा सिग्निफिकेंट वैल्यू एड नहीं कर रही होती फिर यहाँ पे आपके पास आ जाता है इंटरनल ऑडिट इज़ नॉट अवेयर ऑफ आईटी टीम और सिक्योरिटी टीम फ्रेमवर्क बीइंग अडॉप्टेड की जो इंटरनल ऑडिट की जो टीम होती है उसे पाकिस्तान के टीम सिक्योरिटी कल्चर्स में इवन यही नहीं पता कि कौन सा फ्रेमवर्क कौन सा स्टैंडर्ड जो है वो बाकी टीम्स अडॉप्ट कर रही हैं सो दिस वॉज ऑल अबाउट फ्रॉम लेक्चर नंबर टू फोर्टी वन टू टू फिफ्टी अगर इसमें कोई भी क्यूरी या कन्फ्यूजन हो सो यू कैन ऑलवेज ड्रॉप अ कमेंट एंड इफ यू आर न्यू टू दिस चैनल देन डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन एज वेल सी यू सून टिल देन खुदा हाफिज़